हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम आपको बहुत टेस्टी लगने वाली मेथी की मसाला पूरी बनाना बता रहे हैं। मैं इसमें फ्रेश मेथी यूज करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप आटा लिया है। ये कप से मैंने मेजर किया है और ये मैंने मेथी के पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है जो मैं इसमें अभी ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून ही मैंने चावल का आटा लिया है। आप देखिए, ये टेबलस्पून है। इस टाइप से मैंने 2 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। इससे बहुत क्रिस्पी लगने वाली है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। 2 पिंच मैंने हल्दी ली है। 1/4 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा है। 1/4 टीस्पून अजवाइन है जिसको हाथ से क्रश कर लिया है। 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला है और 1/2 टीस्पून मैंने ग्रेटेड अदरक लिया है। आप उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। इन सब चीजों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। विंटर का मौसम आ गया है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। न्यूट्रिटिव होने के साथ साथ टेस्टी है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेथी मैं आपको दिखाना चाह रही हूं कि हम इसके केवल ये पत्ते लेंगे, मेथी के हम केवल पत्ते लेंगे, इसकी डंडियां नहीं लेंगे, ताकि वो ज्यादा कड़वापन उसमें ना आए। इस टाइप से हम चॉप की हुई मेथी भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। क्योंकि मेथी को हमने अच्छे से धोया है तो हल्का सा मॉइस्चर है उसमें, गीली है, इसलिए हम पहले मिक्स करने के बाद तब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो लगाएंगे। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेथी को बहुत अच्छे से धोना है। कोई भी हरे पत्ते की सब्जी है उसमें मिट्टी लगी होती है, इसलिए आप खुले बर्तन में, कोई बड़े बर्तन में 2-3 बार उसको अच्छे से धोएं, ताकि आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार ना जाए, मिट्टी ना आए उसमें। ऐसे मिक्स करके हम इसका टाइट डो लगाएंगे। इस टाइप से हम इसको सारा इकट्ठा कर लेंगे और ऐसे हम इसको डो लगाएंगे। ये देखिए, हमारा जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, इतना हमको ये टाइट रखना है। अब हम इसमें ऊपर से तेल लगा के और इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इस पे हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको ढककर 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से ऑयल लगा के थोड़ा सा और इसको मथेंगे। 1 टीस्पून ऑयल हमने इस पे रख लिया है और हम दोनों तरफ ऑयल लगाकर इसको अच्छे से चिकना करेंगे, आटे को स्मूथ कर लेंगे। आटा देखिए चिपके ना बिल्कुल भी, ऐसा हमें रखना है। कितने अच्छे से ये आटा जो है हमारा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। अब हम इनको छोटे छोटे पेड़े जो हैं इनके ऐसे बना लेंगे गोल। ये देखिए, इस टाइप से हम इसको गोल करके इसके ये पेड़े बना लेंगे। इस ये हमने सारी लोइयां बना ली हैं और अब हम इसको बेलते हैं। अब हम इस पे पेड़े पे हल्का ऑयल लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। हमें ना ज्यादा इसको पतला रखना है और ना मोटा रखना है, जैसे हम पूरी बनाते हैं। और इसको गरम तेल में हम फ्राई करेंगे। इसको हम लगातार ऐसे दबाते रहेंगे। दोनों तरफ से हम इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और बटर पेपर पे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम एक और पूरी बेलेंगे और इसको ध्यान से हम गरम तेल में छोड़ देंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए। इसको हम बराबर ऐसे दबाते रहेंगे और दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे।
ये देखिए हमारी ये जो पूरी है वो अच्छे से बनकर तैयार है। और ये ग्रीन कलर इसमें मेथी वाला बहुत सुंदर लग रहा है। हम ऐसे तेल को निथारते हुए इसी टाइप से हम सारी पूरियां बना लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी और फूली हुई पूरी बनी है। इसी तरीके से हम ये पूरी भी बना लेंगे। आप अगर इसको दबाते रहेंगे तो ये फूल जाएगी। शुरू की पूरी एक दो ऐसा रह जाती है लेकिन पूरियां अच्छे से फूल जाती हैं। चावल का आटा हमने इसमें डाला है तो ये बहुत क्रिस्पी लगने वाले हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आइए प्लेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ये मीसी लगने वाली ये पूरी बनकर तैयार है। आम के अचार के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए। आम के अचार की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, ये मेरे घर का बना हुआ अचार है। और ग्रीन चटनी भी आप दही के साथ ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में इंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।